हाय बच्चों, बहुत बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया, बहुत ज्यादा बच्चों ने, दैट मैम पढ़ते पढ़ते वी हैव हेडेक्स। यस यू गॉट मी राइट। मतलब कहते हैं मैम हमारी बैकएक होती है, हमारी नेक में दर्द होती है और सिवियर हेडेक होती है। वो हेडेक सिर्फ हमारे हेड में नहीं, आईज के आसपास, आईज में, फोर हेड में, बैक ऑफ द हेड में हेडेक होती है। सो क्यों होती है ये हेडेक? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई डज हेडेक हैपन, क्यों हो रही है हेडेक और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स और सम ऑफ द टाइम्स जरूरी नहीं आपको चश्मा लगाए, राइट, बट बहुत और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। सो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाई इज द हेडेक हैपनिंग, एंड देन इसी के साथ साथ इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रोलॉन्ग्ड स्टडी, राइट? अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टडी है तो आपकी आईज ने बहुत देर तक फोकस किया हुआ है, इतने ज्यादा फोकस की वजह से स्ट्रेन पड़ चुका है आई के मसल्स पे, विच इज कॉजिंग अ बैड हेड एक, विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन। आप पढ़ते जा रहे हो, आईज आपकी फोकस्ड है, डिमली लिट रूम है, राइट? प्रोलॉन्ग स्टडी इन अ वेरी डिम रूम, तो लाइट अच्छी होना बहुत 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 ज्यादा। इसके सॉल्यूशंस मैं यहां पर आपको सारे के सारे दूंगी, राइट? पहले हम इसके रीजंस डिस्कस करते हैं, दैट व्हाई इज हेडेक हैपनिंग। नंबर टू रीजन, राइट, आई स्ट्रेन। स्ट्रेन इज लाइक द वर्स्ट थिंग। इसके अलावा नंबर टू रीजन है आपका पुअर पोस्चर। ये जो पुअर पोस्चर है आपका, दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन द नेक मस्क्यूलेचर, राइट? यहां पर आपका पूरा स्पॉन्डिलाइटिस टाइप हो जाता है, आपका पूरा नेक सर्वाइकल एरिया में आप बहुत पुअर पोस्चर के साथ बैठे हो, बिकॉज ऑफ विच अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, अ लॉट ऑफ यू नो जिसे कहा जाए अकड़ जाता है वहां पर, राइट एवरीबॉडी? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर टू ब्लू रेज, राइट? इसको मैं रेड से लिख देती हूँ बिकॉज सॉल्यूशन में आपका ब्लू से लिखने वाली हूँ, राइट? सो एक्सपोजर टू द स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है अगेन, बट स्क्रीन टाइम इज अगेन रिलेटेड टू आई स्ट्रेन, बट सारा दिन फोकस करके ब्लू रेज इतना ज्यादा आपकी आईज जो है वो थक जाती है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैफीन ओवर यूज ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड हेड एक। दैट मीन्स चाय कॉफी पीते रहना, एसिडिटी भी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको हेडेक हो रहा है, मसल्स एक है, राइट, बैक एक है, तो अगर आपका रूम डिम रूम इज द वर्स्ट थिंग, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टडी लैम्प, बिकॉज ऑफ विच आपकी आईज पे जो स्ट्रेन है वो कम पड़ेगा। अगर डिमली लिट रूम है, आप आंखें ऐसे ऐसे करोगे, स्ट्रेन करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, वर्स्ट थिंग, डोंट डू दैट। अपनी आंखें खराब करवाओगे, दर्द होगी, आउटपुट एफिशिएंसी कम हो जाएगा, आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है। सो फॉलो द 20 रूल, दैट मीन्स आप हर 20 मिनट बाद एक ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर देखो जो 20 फीट आपसे दूर है, 20 सेकेंड्स के लिए। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है। हर स्क्रीन देख लो, थोड़ी देर बाद पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद 20 फीट दूर एक ऑब्जेक्ट को देखिए, राइट? थोड़ा आईज को रिलैक्स कीजिए, विंक कीजिए, 20 फीट दूर होना चाहिए ऑब्जेक्ट और 20 सेकंड्स का ब्रेक दीजिए अपनी आईज को। तो पास पास कर रहे हो, आईज फोकस्ड है, दर्द हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट को देखिए जो 20 फीट दूर है, राइट? गो आउट इन द ओपन, लुक एट द ब्लू स्काई, लुक एट द ट्रीज इफ यू आर लकी इनफ टू लिव इन अ प्लेस व्हिच इज अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी, गो आउट, राइट? दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी दैट ब्लू स्काईज एंड ग्रीन थिंग्स also are very relaxing for the eyes, especially if you feel extremely extremely strained. Prolonged study ke liye bhi ye kijiye, the 20 second rule. Prolonged study ke liye after every 25-30 minutes take a small break. Poor posture is very bad. So poor posture ke liye please use a ergonomic chair. अब तो आपने आगे से आगे खूब ज्यादा पढ़ाई करनी है, 8-8, 10-10, 11 घंटे पढ़ना है। सो आई हैव इन्वेस्टेड इन एन एर्गोनॉमिक चेयर एंड ट्रस्ट मी फॉर माय ऑफिस इट इज वन ऑफ द बेस्ट बाइज, राइट? आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, एक चेयर
राइट अगर एक चेयर नहीं कर सकते वो एक्सपेंसिव है, एर्गोनॉमिक कुशंस आ जाते हैं, तो मान लीजिए आपकी चेयर आएगी 7,000 की, आपका कुशन आ जाएगा एर्गोनॉमिक 700 रुपए का. सो व्हेन आई सिट ऑन द बेड आई यूज एन एर्गोनॉमिक कुशन, राइट, वो आपकी बैक की शेप लेता है, तो आपकी नेक को बैक को एवरीथिंग स्टेज रिलैक्स्ड. स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कह सकती कि यार अभी तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करो, अब तो पढ़ने का टाइम आया है, राइट, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप क्विज दे रहे हो या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो. सो प्लीज गेट अ एंटी ग्लेयर, ये बड़े, ये जिसको चश्मा नहीं लगा वो एंटी ग्लेयर अपने लिए स्पेक्स लेकर आए और अपने इसको लो लाइट मोड पे अपनी स्क्रीन को कर दे, राइट एवरीवन, सो दैट रिफ्लेक्शन, वो आई का स्ट्रेन कम से कम पड़े. बट प्लीज गेट द ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट एमिट होती है हमारी स्क्रीन से, फोन से, लैपटॉप से, उनको कम करने के लिए गेट अ एंटी ग्लेयर थिंग्स. एंड कैफीन ओवरडोज को कम कीजिए, कैफीन की जगह आप पीना शुरू कीजिए, राइट, अब तो चलो सर्दी आने वाली है, हैव नींबू पानी, हैव कावा which has no caffeine, have milk, badam milk and things like that, have obviously very very good sattu powder, right, ye cheeze aap lijiye. So I hope agar aap ye chote chote changes karenge, you will see a massive massive difference in your body posture, eyes, and you will be able to definitely study more. God bless you everyone, take care, all the best.